अगर आपको पुरानी इमारतें देखना पसंद है, आपको पुरानी इमारतें देखना भाता है, तो आप दक्षिण मध्य दिल्ली में स्थित लोधी रोड पर लोधी गार्डन आ सकते हैं। एक अपना इतिहास लिए ये गार्डन दिल्ली के दक्षिण मध्य में स्थित है और एक अलग विरासत इसमें बसती है। जैसा कि आपने देखा, लोग अलग अलग गतिविधियों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। नमस्कार दोस्तों, कलर्स ऑफ लाइफ हिंदी जीवन के रंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त मानस। तो चलिए लोधी गार्डन की अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लोधी गार्डन के मेन रोड से एंट्री करने के बाद आपको ये अठपुला से गुजरना होता है, जो आपको लोधी गार्डन के अंदर प्रवेश करवाता है। ये अठपुला क्यों इस पुल को कहते हैं, वो उसका इतिहास है अपना एक, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत से पहले आप उस बात को जान जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस अठपुला से नीचे का नज़ारा दिखा देता हूँ। बहुत सारी इमारतें लोधी गार्डन में स्थित हैं जिनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कब बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए, किस सन में बनाए गए, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर फव्वारा देखने को मिल रहा है। अठपुला से गुजरने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि 90 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है पूरी, जो लोधी गार्डन है 90 एकड़ में फैला है। और इसका इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्क में लिखा ज़रूर होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे अगर आप दाहिनी ओर यहाँ से जाते हैं तो एक झील है जो कि मैंने आपको दिखाई दी। और अठपुला जो है उसकी जानकारी अगर मैं थोड़ी सी आपको दे दूँ, तो पहले ये नाला था, लेकिन बाद में इसको पुल बना के एक झील का रूप दे दिया गया, जो कि इस पार्क की सुंदरता में चार चांद लगाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब दिल्ली शहर में मैं पक्षियों को देखता हूँ, तो लोधी गार्डन में आपको ये पक्षी देखने को मिलेंगे। अभी जब मैंने असीता का वीडियो किया था, तो वहाँ पर भी बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियाँ जो हैं वो वास करती हैं, वहाँ पर रहती हैं। तो असीता के वीडियो को मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सफ़र की शुरुआत में हम थे, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि 90 एकड़ को घूमने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि अगर मैं जल्दी चलूँगा तो शायद हो सकता है हम जल्दी इसको पार कर लें। पार्क में जगह जगह, जैसे कि आप दिल्ली में देखते हैं कि सभी पार्कों में आपको कपल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय उन्हीं के पास है और लोगों के पास नहीं होता है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, उनको उन पर छोड़ देते हैं। मैंने जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये एक कलाकृति है। कलाकृति के मामले में जो है वो दिल्ली आजकल बहुत आगे जा चुका है, और बहुत बहुत सुंदर कलाकृतियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे जैसे मैं दिल्ली में भ्रमण करता जा रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि दिल्ली कितनी सुंदर है। हम दिल्ली छोड़कर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं चंडीगढ़ जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ हरियाली और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता हुआ शहर नज़र आता है। लेकिन मैं अगर दिल्ली को ध्यान से देखूं, तो इस समय दिल्ली इतना सुंदर बन चुका है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप सामने का नज़ारा देख रहे हैं, बहुत बहुत अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर नज़ारा। तो आगे बढ़ते बढ़ते पार्क में, गेट से जब मैं एंट्री किया, अठपुला जब मैंने पार किया, तो दाहिनी तरफ मुझे दो इमारतें दिख रही हैं। चलिए इन इमारतों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस कारण और किस सन में बनाई गई। ये अठपुला के सामने से आते हुए दाहिनी और पहली इमारत, आप देख सकते हैं उसके बारे में पुरातत्व विभाग ने जो है वो सारी जानकारी यहाँ पर लगा दी। और इसी मस्जिद की चार दीवारी में प्रवेश करने के बाद जो है, अगर इसके पीछे चले जाएं, तो आपको यहाँ फूलों का बगीचा, मैं कहूँगा कि रोज़ गार्डन जो है वो
वो देखने को मिल जाएगा, अद्भुत, अपने आप में अद्भुत। बहुत सारे वर्कर जो हैं वो काम करते हुए इसमें यहाँ आप देख सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो अपने आप में प्रकृति की खूबसूरत वादियों में एक नया ही रंग भर देते हैं। इसे भी जीवन का एक रंग ही कहेंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में कंक्रीट का एक जंगल जो है वो दिन ब दिन तैयार होता जा रहा है। वहां पर सुकून के पलों को खोजना बेहद बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है और वीकेंड्स पर आप कहीं घूमने का, उस सुकून को तलाशने का एक प्लान बनाते हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। मेरी गारंटी है आपको सुकून जरूर। और एक खास बात आपको चलते चलते बता देता हूँ कि लोधी गार्डन में कोई भी एंट्री फीस नहीं है, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, तो आप फ्री में इस बेहतरीन पिकनिक स्पॉट का आनंद ले सकते हैं। मुझे मेरे सामने दो इमारतें दिखाई दे रही हैं, एक इमारत जो है वो आप सामने देख सकते हैं, उसके साथ ही एक इमारत उसके ठीक सामने मतलब मेरी दाहिनी ओर यहाँ पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों चलते चलते हम आ पहुंचे हैं बड़ा गुंबद, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, और मैं आपको इसका एक रूप भी दिखा देता हूं।
बड़े गुंबद के बाद अब हम बढ़ चले हैं शीश गुंबद की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और शीश गुंबद के बाद जब मैं इधर आगे बढ़ा तो मुझे गेट नंबर 3 दिखा, जहाँ से एंट्री आप कर सकते हैं। 3 नंबर गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करते ही आपको यहाँ पर ये एक और गुंबद दिख जाती है, जिसको टॉरेट नाम दिया गया है। आइए जानते हैं क्यों इसे टॉरेट कहते हैं। बेहद अद्भुत पिकनिक स्पॉट। अगर आप सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं तो 6 बजे तक आप पूरा दिन भी यहाँ पर बड़ी आराम से बिता सकते हैं। बेहद सुकून भरी, बेहद सुंदर जगह। ये आप देख सकते हैं हर्बल गार्डन, जिसको कि किसी भी कारण से शायद अभी बंद किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाजवंती पत्थर, चट, अजवाइन पत्ता, जल ब्राह्मी और बहुत बहुत तरह की वनस्पति जो हैं यहाँ पर मुझे नज़र आई। तो बांस केवल दिल्ली के बांसेरा में नहीं, लोधी गार्डन में भी है। यहाँ आप देख सकते हैं बांस का एक बहुत विशाल। तो हर्बल गार्डन से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं म्यूज़िक बिल्कुल यहाँ पर डाउन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सुन पाएँ उस आवाज़ को और देख पाएँ। और एक गुंबद मुझे यहाँ पर हर्बल गार्डन से आते हुए भी दिखाई दिया, जिस तरफ अभी हम जाने वाले हैं। और बेहद सुंदर एक स्टार बनाया हुआ है जिसके पास हम अभी चलेंगे। प्रकृति का एक अद्भुत रंग जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जीवन के बहुत से रंगों को दिखाने वाला हूँ, उसमें से एक रंग ये भी है। और ये इस तरह का एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है जिस पर से गुजर के आप दूसरी पार जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भाई साहब भी इन पक्षियों की हंसी ठिठोली का आनंद लेते हुए। यहाँ से आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा। दिल्ली में मैं बहुत से पार्कों में घूमा हूँ, बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन लोधी गार्डन मुझे उन सभी में सबसे ज्यादा पसंद आया है।
जिसके साथ फोटो लेने के लिए आजकल प्री वेडिंग शूट जो है वो बहुत चलन में है, वो खिंचवाने के लिए लोग अक्सर यहाँ पर आया करते हैं। और अभी हम उसके ऊपर चलते हुए, ये इमारत जो है वो एक संरक्षित इमारत है। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो कुछ कब्रें हैं। अब हम चलते हैं। इसलिए नहीं गया क्योंकि अंधेरा हो चुका है और मेरे पास अंधेरा लगभग हो चुका है और मेरे पास लाइटिंग का कोई इंतज़ाम आज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही लोधी गार्डन की ओर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो ही बना लिया जाए, तो इसलिए मैं अंदर नहीं गया क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था है नहीं और अंदर जो है वो काफ़ी अंधेरा हो चुका है। बेहद बेहद सुंदर पिकनिक स्पॉट मैं इसे कहूँगा, और मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ यहाँ पर लोगों को देख करके, लोगों की आवाजाही देख करके, एक क्राउड देख करके। और कपल्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को देखा जो कुछ समय अपनों के साथ बिताने के लिए यहाँ पर पहुँची थी, और बेहद अद्भुत एक्सपीरियंस और बहुत सारी यादें मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। आपको मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में हैं इस वक्त, दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो लोधी गार्डन पहुँचना उतना मुश्किल नहीं है। बेहद आसानी से मेट्रो के साथ, बसेस के साथ, ऑटोस के साथ आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हरियाली तो है ही, हरियाली के साथ पक्षी और बहुत सारी इमारतों का जो समागम, जो संगम इस पार्क में होता है, वो अपने आप में एक अद्भुत छटा है, अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। और इस तरह की जगह मुझे पहले एक्सप्लोर करने को क्यों नहीं मिली ये मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बहुत सुंदर जगह, बेहद अद्भुत एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप आइए और एक घंटे डेढ़ घंटे के दौरान इस पार्क से गुजरिए, पूरा घूमिए और निकल जाइए, आपको एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभव होने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद पॉल्यूशन ज़ीरो है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। पार्क से बाहर निकलने के बाद का जो एक्सपीरियंस था, मतलब जब मैं अंदर आया उस एक्सपीरियंस में, और जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, जो सुहानी एक सुगंध है वो इस पार्क में जो आपको महसूस हो रही है वो शायद बाहर नहीं होगी। इसलिए एक घंटा अगर आप यहाँ बिताते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके शरीर के लिए तो अच्छा है ही, आपके फेफड़ों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत बहुत प्योर एयर जो है वो यहाँ मिल जाने वाली है। शोर आप पीछे सुन रहे हैं, इसको मैं कभी बंद नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप सुनें और इस आवाज़ को सुनकर, इस मनमोहक खुशबू को एक बार चखने के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जगह दिखाने के लिए मैं ख़ास तौर पर रुका, और सामने की ओर चलते हुए मैं अचानक से मुड़ गया और मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए एग्जैक्ट फीलिंग। एक बार मैं उत्तराखंड में था तो एकदम इसी तरह की फीलिंग जो थी वो वहाँ पर मुझे आ रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए,
उत्तराखंड अगर आपको घूमने का मौका कभी मिले तो मैं आपको कहूँगा कि आप चकराता की ओर जाते हुए जब दाहिनी ओर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का जंगल जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग मुझे यहाँ पर आई, इसलिए मैं यहाँ पर मुड़ गया। दिल्ली में कंक्रीट के जंगलों के बीचों बीच दक्षिणी मध्य दिल्ली में स्थित लोधी गार्डन एक बहुत बहुत सुहाना एक्सपीरियंस अनुभव आपको देता है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि सब कुछ यहाँ पर फ्री है, घूमना फिरना वॉकिंग। आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, सैर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बैठना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अपनों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और कपल्स तो आप जानते ही हैं, हर हर एक जगह दिल्ली में हर एक जगह आपको मिल जाएंगे, उनकी चिंता ना करें। बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत बहुत अद्भुत जगह है। ब्यूटीफुल,
लगता है कि अगर आप यहाँ पर आकर कुछ देर बैठ जाते हैं, उस बैठने मात्र से आपको मेडिटेशन का अनुभव होने वाला है। मतलब आप मेडिटेशन मत करिए, यहाँ पर आकर आप मात्र बैठ जाइए, इस फव्वारे को देखिए, इस मौसम का आनंद लीजिए, और वो मेडिटेशन जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उस मेडिटेशन से जो शांति आपको मिलने वाली है, वो आपको इस फव्वारे को देखने मात्र से मिल जाने वाली है। बेहद अद्भुत। लोधी गार्डन इज़ ए मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू ऑल गाइस। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर लोधी गार्डन आइए, इसकी अद्भुत सुंदरता को देखिए, उसके बाद वीडियो पर जाकर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे जो है वो अटकुला है, वो अटकुला इसलिए, वो आप सामने देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें शायद 8 गेट हैं। वो गेट जो हैं वो एक इस झील से, इस झील के बीचों बीच हैं, जो लोधी गार्डन में एंट्रिंग करने का जो रास्ता है वो है। और यहीं पर इस फव्वारे के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी किसी जगह पर जाऊं जो आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि आप किस जगह को देखना चाहते हैं। वो जगह मैं कवर करने की, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो लोधी गार्डन के सफ़र को यहीं पर विराम देते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो नया अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको उसी समय मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको लाइक कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपके एक नए वीडियो में फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।